बिग बॉस के घर में लड़ाई छिड़ती हुई नजर आई है अविनाश और चाहत की, जिसका ऑडियंस पर अलग अलग एक प्रभाव पड़ा है, तो अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं। दरअसल अविनाश और चाहत एक दूसरे से खफा ही रहते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ी बहसबाजी पहले से ही चल रही थी और चाहत ने गुस्से में आकर पानी फेंक दिया अविनाश पर, जो कि जेल के अंदर थे। अविनाश ने चीख चिल्लाकर अपना गुस्सा नहीं दिखाया बल्कि उकसा दिया चाहत को, ये कहकर कि चाहत मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे गीले बालों में देखना चाहती है, मेरा गीला बदन देखना चाहती है, कि मुझ पर उसने पानी फेंक दिया। ये वाकई उकसाने वाली बात तो थी और एक करेक्टर पर भी सवाल जरूर खड़ा होता है एक लड़की के। जिसके बाद चाहत गुस्से में आई, जूता उठाकर कहती है कि मेरी जूती भी तुझसे प्यार ना करे, मैं तुझ पर थूकती हूँ कि तूने नेशनल टेलीविजन पर मेरी इज्जत को उछालने की कोशिश की है, मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया है कि एक लड़की लड़के से इस तरह प्यार करती है कि उस पर पानी फेंक रही है उसके गीले बदन को देखने के लिए। इस पर ऑडियंस का यहाँ पर ये रिएक्शन है कि अविनाश ने जिस तरह से कामली किसी को उकसाने के लिए यहाँ बात करी है, देखकर मजा बड़ा रहा है, लेकिन हाँ उनकी बात गलत जरूर है। वहीं चाहत को लोग क्वीन कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो अविनाश को उसकी रियल साइड दिखा रही है कि भाई बहुत हो गया तेरा, तो मुझसे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहत को यहाँ पर बिग बॉस के घर में भले ही बहुत लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन ऑडियंस जरूर पसंद करती हुई नजर आ रही है। वहीं अविनाश का अभी थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन ऑडियंस के बीच नजर आ रहा है, लेकिन एक बार श्योर है कि जिस तरह वो इस एक हफ्ते के अंदर जेल के अंदर रहकर पूरी गेम खेल रहे हैं बिग बॉस के घर में, फुल ऑन ड्रामा लेकर आ रहे हैं बिग बॉस के घर में, ये ऑडियंस जरूर पसंद कर रही है। और वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि उनके इस बर्ताव से जो इस हफ्ते नजर आ है जेल के अंदर रहते हुए, वो शो के अंदर लंबा जरूर टिकने वाले हैं। किसे सपोर्ट करते हैं आखिर आप सभी, अविनाश या चाहत, या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।